चल बेटा, ये इंडेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट किया था अपन ने, और उसमें स्टैंडर्ड फार्मूले लिखवा दिए थे। उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है ये नोट करा दिया था, ठीक है ना। और उसमें फार्मूलों के साथ साथ कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिए थे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अपन चल रहा था, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट फॉर्म के बारे में आएंगे। कॉपी पेन निकाल लें, फार्मूले वगैरह रिवाइज कर लें, फार्मूले जल्दी देख लें, जल्दी जल्दी सारे फार्मूले जल्दी से देख लो। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, लिस्ट चेक कर लो क्या क्या पढ़ना था उसमें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आने वाला है, आज क्या पढ़ेंगे, ये सब कुछ पहले से मालूम है। आज क्या पढ़ने वाले हैं ये सब कुछ पहले से मालूम है, तो कॉपी पेन निकालें और नेक्स्ट टॉपिक लिखें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए बेटा, लिखना स्टार्ट कीजिए। तो आज के लिए टॉपिक अपना है, स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट क्या। आज का जो कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू, इसका डायरेक्ट आंसर होता है लॉग एफ एफ एक्स का मोड प्लस सी। नोट कर लें, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। नोट करना स्टार्ट करें बेटा, लिखें इसको, लिखना स्टार्ट करो बेटा। इंटीग्रल ऑफ दी फॉर्म साउंड अब आ रही है बेटा, अब चेक करो बेटा, आवाज आ रही है, अब चेक करो बेटा, आवाज क्लियर आ रही है। यस, ओके बेटा। तो ये सिंपल समझ आ गया बेटा, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट नोट कर ही लिया होगा। ये इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू लॉग मोड साइन एक्स, अभी अभी चालू किया बेटा, अभी अभी चालू किया शिवम सिकरवार, अभी अभी चालू किया है, कुछ मिटाया नहीं है बेटा, इसको नोट कर लें। ये कॉन्सेप्ट है और ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है और उसका फर्स्ट एग्जाम्पल अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है, जल्दी से नोट कर लें बेटा। अब इसको मिटाने वाले हैं हम, अब इसको हटाने वाले हैं, नोट कर लिया। तो चलिए बेटा, दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने, इंटीग्रल ऑफ क्या लिखना है, मान लो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अगर ऐसा होता, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, तो आंसर आता माइनस लॉग मोड कॉस एक्स प्लस सी। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स।
जी हाँ 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 सही है वो। हाँ मैं तो उसी दिन पहुंच गया था वहां। हाँ वो थोड़ा वो वैसा है ना, गली वली उसकी वैसी ही है थोड़ी। उसके लिए एक काम करें, हाँ संडे को तो जाते नहीं है उनके यहाँ शायद, है ना। काम करेंगे, या तो जैसे आपका कल फ्री हो तो कल चले चलेंगे, या फिर मंडे मंडे को चल चलेंगे ना। चलिए फिर एक काम कर, अभी मैं क्या जाना, एमएलबी कॉलोनी में हूँ तो अभी मैं क्लास दे रहा था अभी ऑनलाइन, तो अभी यहाँ से जैसे मैं फ्री होऊंगा तो डिस्कस कर लेंगे अपन कि कल मतलब किस टाइम पे करना चलना सही रहेगा। चलिए बेटा हो गया ये। हाँ माइनस लॉग कॉस एक्स लॉग सेक एक्स भी ठीक है। अभी बेटा थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन का जवाब बोलो। तो थर्ड का आंसर आ गया सिंपल लॉग मोड ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, है ना डायरेक्ट, क्योंकि इसका डिफरेंशियल ऊपर दिया हुआ है ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल प्लस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई बेटा। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लो लिया हमने, स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स। हाँ बेटा ऑप्शन देना है, चलिए बेटा ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन लॉग सेक एक्स, दूसरा ऑप्शन लॉग टेन एक्स, तीसरा ऑप्शन लॉग सेक स्क्वायर एक्स, और चौथा ऑप्शन नन। चलिए बेटा इसका आंसर बोलिए जल्दी से। यस क्वेश्चन लिखते ही इसका आंसर आ जाना चाहिए, क्वेश्चन लिखते ही आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा बी बॉम्बे आंसर आ गया, तो आंसर आ गया बी बॉम्बे। चलिए ऐसा क्वेश्चन लिखें और तुरंत आंसर, ये ऐसा होना चाहिए बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, क्वेश्चन जहां पर खत्म हो तुरंत उसका आंसर दिखाना चाहिए। 5 सेकंड का टाइम, केवल 5 सेकंड लगना चाहिए, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं। चलिए तो जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन हमने कोई लिया, एक क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन लेते हैं। आप थोड़ा ऐसे क्वेश्चन से बन रहा है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन बन रही है। हाँ बेटा वो तो हो गया, इसका ऑप्शन चाहो तो ले लो लॉग सेक एक्स माइनस टेन एक्स, लॉग टेन एक्स
log sec x plus tan x नन। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर टू का आंसर बोलो। अमन सिंह तोमर ऑप्शन बोलो बेटा, ऑप्शन ऑप्शन बोलना केवल एबीसी ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर बोलने की जरूरत नहीं है। अमन सिंह तोमर ये कह रहे हैं गलत हो गया बेटा। आयुष उपाध्याय ये कह रहे हैं गलत हो गया। कुलदीप धाकड़ भी कह रहे हैं गलत हो गया। पुष्पेंद्र ने ठीक बोला, सी ही होगा आदित्य, तो सी। चले बेटा इसका आंसर है सी, log sec x plus tan x, क्योंकि sec x का डिफरेंशियल sec x tan x और tan x का sec square x होता है, तो सही इसका आंसर आ गया log sec x plus tan x। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसके f dash x upon f x वाले, ठीक है सी सही है बेटा। तो इस तरह के 5 सेकंड नहीं 2 सेकंड में आंसर आ रहा है आना चाहिए। यस अनुप धाकर तुम ठीक कह रहे हो, 5 सेकंड नहीं आंसर 2 सेकंड में ही आना चाहिए, बिल्कुल सही। तो चलिए बेटा ये आंसर आ गया अपना, आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1, तो आंसर इसका होता ए ऑप्शन log ऑफ e की पावर x, बी ऑप्शन log ऑफ e की पावर x प्लस 1, सी ऑप्शन क्या आ गया, मान लो ऐसे लिख दिया कुछ भी x, और डी ऑप्शन इसका नन। चलिए बेटा बोलिए, 2 सेकंड का टाइम है केवल, 2 सेकंड का टाइम, बी आंसर आ गया बी, गुड। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो आराम से कर लोगे, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाले क्वेश्चन। ये ब्रजेश बघेल अभी भी ये कह रहा है बी सही है। चलिए बेटा तो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाले क्वेश्चन आराम से कर लोगे। चलिए बेटा सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इसको लिखो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा अपना एफ एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। हाँ बेटा वो हो गया, अगला कॉन्सेप्ट लिखिए इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स। अरे राहुल कमेंट्स तुम्हारी आ रही है, सब आ रही है बेटा, कभी नाम नहीं बोल पाते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है इसीलिए कई बार ये नाम नहीं बोल पाते। जिनके सही आंसर आते हैं तो उनके नाम नहीं बोलते हैं, जिनके गलत आते हैं उनके नाम बोल देते हैं। टेंशन मत लो राहुल, तुम्हारे कमेंट्स आ रहे हैं। अभिषेक सिंह बेटा इतना लेट कमेंट्स आ रहे हैं तुम्हारे, 3C 100% है वो तो हो गया। अवनीश कुमार ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारा नाम भी लेते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब राइट आंसर आते हैं तो कई बार नाम नहीं लेते सबके, जहां गलतियां होती हैं उनके नाम जरूर ले लेते हैं। चलिए बेटा ये लिखिए, तो इसका एग्जांपल लिखो बेटा, इसका एग्जांपल लिखो, इसका एग्जांपल है मान लो ये ऐसा है कुछ tan क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऑप्शन दे रहे हैं, इसका आंसर आ गया मान लो tan क्यूब एक्स, दूसरा आंसर इसका आ गया sec क्यूब एक्स अपॉन 3, तीसरा आंसर tan की पावर 4x अपॉन 4, और चौथा आंसर है नन। चलिए बेटा
आंसर बोलो बेटा, 2 सेकंड का टाइम है केवल। दो सेकंड, सारे बच्चे कह रहे हैं सी, गुड। तो इस तरह से होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बच्चे भी ऐसे होना चाहिए थोड़ा अलर्ट। अभी देखो, अब इसका नाम लेते कुलदीप धाकड़। कुलदीप धाकड़ ये हमेशा गलत जवाब देने की कोशिश करता है। चलिए बेटा, इसका आंसर आ गया सी। बच्चे भी थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, टीचर को भी अच्छे से पढ़ाना चाहिए, तो आंसर आ गया सी। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता है, इंटीग्रल ऑफ हाँ चले बेटा। तो क्वेश्चन है ये, मान लो साइन की पावर 5x 5 इंटू कॉस एक्स डीएक्स। ऑप्शन साइन की पावर 5x, बी ऑप्शन साइन की पावर 6x, सी ऑप्शन साइन की पावर 6x/6 और डी ऑप्शन वही अपना जाना पहचाना नॉट, नन ऑफ दीज। चलिए बेटा जल्दी बोलिए, ऐसा लिखना है सेकंड नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है मान लो, क्वेश्चन नंबर 2। तो ऐसा जवाब दो, 2 का आंसर क्या? सी चेन्नई, सी होगा। अच्छा हाँ, सही आ रहा है, तो 2 का सी। चलिए बेटा, 2 का सी बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन, tan इनवर्स x/1 + x² dx, tan इनवर्स x/1 + x² dx। पहला ऑप्शन tan इनवर्स x, दूसरा ऑप्शन tan इनवर्स x² / 2, तीसरा ऑप्शन 1/1 + x² / 2, और चौथा ऑप्शन जाना पहचाना नॉट। चलिए आंसर बोलिए, आंसर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बोलो। अबे तापक ने बोल दिया 3 का भी। ये देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है तो कोई आंसर 4 बोल रहा है, 4 3 का बी, यस। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं 3 का बी। अब सभी का नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, सारे बच्चे बोल रहे हैं। देखो, हमने क्वेश्चन लिख पाया, ऑप्शन लिख नहीं पाए, उसके पहले आंसर आ जाए 3 का बी, बिल्कुल सही है। और अगर कोई क्वेश्चन एक आध करना है तो एक आध और कर लो। चलो 3 पर नहीं छोड़ते, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x^3/2 √1 - x². ठीक है, पहला ऑप्शन इसका साइन इनवर्स x^2 √2, दूसरा ऑप्शन साइन इनवर्स
फाइव बाई टू एक्स साइन इनवर्स फाइव बाई टू एक्स अपॉन इंटू फाइव बाई टू, तीसरा ऑप्शन टू बाई फाइव साइन इनवर्स एक्स की पावर फाइव बाई टू और डी आंसर है नन। चलो बेटा बोलो आंसर, फोर का आंसर बोलना है, फोर का आंसर बोलना है। अब जब ये कोई गलत बोलता है तो फिर उसका नाम जरूर बोलना ही पड़ता है। गुड, सारे बच्चे कह रहे हैं कि चेन्नई ही होगा सी, तो फिर इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ना पड़ेगा, अब सारे बच्चे क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद तुरंत आंसर दे देते हैं, तो फिर बेटा आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट आ गए अपन कॉन्सेप्ट इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म साइन की पावर एन एक्स डी एक्स और कॉस की पावर एम एक्स डी एक्स। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक है बेटा, वो सही हो गया बेटा, सही है। आगे बढ़ो, कॉन्सेप्ट लिखो, ये कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट लिखो बेटा। तो नोट कर लो ये, इफ एन इज ऑड देन पुट इनपुट cos x इक्वल टू t, इफ n इज ऑड देन पुट sin x इक्वल टू t। हाँ बेटा वो फोर का वो तो हो गया अभिषेक, अभी ये कॉन्सेप्ट नोट करो धर्मवीर, ये कॉन्सेप्ट नोट करो अभिषेक, ये कॉन्सेप्ट नोट करो बेटा। नेक्स्ट जो फॉर्म है उसको नोट करो, हिंदी में हाँ हिंदी में बेटा कोई खास बात नहीं है, एन इज ऑड, ऑड का मतलब होता है विषम, विषम विषम, n की वैल्यू है वो अगर विषम संख्या हो तो cos x को t मानना है, m की वैल्यू विषम संख्या हो तो sin x को t मानना है। हाँ मल्टीप्लाई नहीं है बेटा, अलग अलग भी होते हैं, मल्टीप्लाई में भी होंगे तो भी होते हैं। अबे तापक पावर n ये पावर में है, मल्टीप्लाई नहीं है, ये पावर है। अभी अबे तापक ये पावर है, साइन की पावर है एन कॉस की पावर है एम, पावर है वो, पावर में लिखा हुआ है, अलग अलग भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं वो। अबे मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। नोट कर लो, अभी एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से समझाएंगे बेटा, नोट कर लो उसको, नोट कर लो बेटा, नोट नोट कर लिया नोट। चलिए फिर तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो सिंपल सा एग्जाम्पल लिया हमने कि मान लो ऐसा निकालना है, सिंपल छोटी वैल्यू ले रहे हैं, साइन क्यूब एक्स डी एक्स है मान लो, ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, इस साइन स्क्वायर को हम लिख लेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन एक्स डी एक्स ऐसे रहेगा, फिर कॉस एक्स को टी पुट कर देंगे तो कॉस का डिफरेंशियल हो जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू बचेगा माइनस का डी टी, तो ये बाहर आ जाएगा माइनस और ये बन जाएगा अपना वन माइनस टी स्क्वायर और साइन एक्स डी टी हो गया था डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, माइनस वन का हो जाएगा माइनस टी, माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब अपॉन
थ्री, यानी कि आंसर आएगा इसका माइनस टी को हमने क्या लिया था कॉस, तो माइनस कॉस टी प्लस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन थ्री, ये आंसर आएगा इसका। राहुल, राहुल श्रीवास, ये आंसर नोट करें बेटा, क्वेश्चन और उसका आंसर नोट करें जल्दी। नोट कर ले बेटा इसको जरा जल्दी से। नेक्स्ट, ओके बेटा नेक्स्ट पे आती है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो लिया हमने कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल निकालना है, तो इसका आंसर मान लो ऑप्शन दे देते हैं, चलो ऑप्शन मान लो साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन थ्री, दूसरा ऑप्शन साइन क्यूब एक्स अपॉन थ्री माइनस साइन एक्स, तीसरा ऑप्शन साइन एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स अपॉन थ्री, चौथा ऑप्शन नन। चलिए बेटा बोलिए, ये वाले क्वेश्चन का आंसर बोलो। आदित्य तोमर ने आंसर दे दिया है, भानु धाकड़ सब सी बोल रहे हैं, भानु धाकड़ सी बोल रहे हैं, कपिल देव भी बोल रहे हैं। अभिषेक कह रहा है टू ए, सेकंड का ए बोल रहा है अभिषेक। बेटा ढंग से सॉल्व कर लो बेटा, इतनी जल्दी मत रहो, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई तुक्के लगा रहा है। भानु धाकड़ अभी भी सी कह रहे हैं, टू का बी, प्रदीप कुमार कह रहा है टू का बी, तुक्के बुक्के लगा रहे हैं बेटा, सॉल्व कर नहीं रहे हो। तो कॉस क्यूब है, कॉस क्यूब को लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और कॉस स्क्वायर को लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर, और ये कॉस एक्स डी एक्स ऐसे रहेगा। अब साइन एक्स को टी पुट करना पड़ेगा, साइन एक्स को टी, तो साइन का डिफरेंशियल ये कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा अपना डी टी, तो यहाँ बचेगा वन माइनस टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर डी टी, टी का वन का हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन थ्री, तो आंसर आएगा साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन थ्री, ये इसका आंसर आएगा। कोई बी कोई सी पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, इसका सही आंसर है ए। आयुष उपाध्याय, अमन सिंह चौहान टू का बी बोल रहे हैं, देखो अभी भी टू का बी बोल रहे हैं अमन सिंह चौहान। अमित बघेल अब तो सही है, ए होगा आंसर इसका। तो बेटा थोड़ा ध्यान दो। तो चलिए बेटा, कुछ गलतियां हो रही थी तो एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए तीसरा एग्जांपल लिया, इंटीग्रल ऑफ कॉस की पावर फाइव, कॉस की पावर फाइव, इसको ऐसा लिखना पहले कॉस की पावर फोर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, कॉस की पावर फोर को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिखना, और कॉस स्क्वायर होता है वन माइनस साइन स्क्वायर, तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर, साइन एक्स को टी मान लेना, साइन एक्स को टी, तो कॉस एक्स डी टी में चला जाएगा, तो वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और डी टी, और ये होल स्क्वायर ओपन करना, तो वन प्लस टी की पावर फोर माइनस टू टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेट कर लो, तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा वन का हो जाएगा टी टी, यानी कि साइन एक्स माइनस प्लस टी की पावर फोर का हो जाएगा टी की पावर फाइव, यानी कि साइन की पावर फाइव एक्स अपॉन फाइव माइनस टू टी क्यूब, तो साइन क्यूब एक्स अपॉन थ्री प्लस सी, इस तरह से आंसर आएगा।
साइन एक्स प्लस साइन की पावर फाइव एक्स अपॉन फाइव माइनस टू साइन क्यूब एक्स अपॉन थ्री। कपिल धाकर तुमने ये बोला था तो ये सही है बेटा, कपिल धाकर तुमने अगर ये बोला था तो ये सही है। पुष्पेंद्र धाकर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पुष्पेंद्र धाकर सही कह रहे हैं यहां पर कि तुक्के कैसे काम नहीं चलता है, थोड़ा तो दिमाग का भी यूज करना है। तो चलिए बेटा कुलदीप धाकर सही आया, यही आया तुम्हारा। चलिए तो इस तरह से मान लो कभी ये ऐसा होता कि मान लो होता साइन की पावर फाइव एक्स डी एक्स, साइन की पावर फाइव, तो बोलो सॉल्व कर लेते कि नहीं। साइन की पावर फाइव का साइन की पावर फाइव, तो इसका पहला ऑप्शन है मान लो कॉस एक्स प्लस कॉस की पावर फाइव एक्स अपॉन फाइव माइनस टू कॉस की पावर थ्री एक्स अपॉन थ्री। दूसरा ऑप्शन है कॉस, दूसरा ऑप्शन है कॉस एक्स, अरे यार दूसरा ऑप्शन है टू कॉस क्यूब एक्स अपॉन थ्री माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस की पावर फाइव एक्स अपॉन फाइव, और सी इसका है नन। चलो बताओ ये क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर ए और बी और सी क्या है। कुलदीप धाकर सब कमेंट्स आ रहे हैं बेटा, अभी तुम्हारे नाम बोला तो था। इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। आदित्य तोमर फोर का आंसर ये होगा क्या? आदित्य फोर का ये होगा क्या? कुलदीप कह रहा है बी, अभिषेक कह रहे हैं बी, संतोष कह रहे हैं ए। फोर का आंसर क्या है बताना है, फोर का आंसर क्या होगा बताओ। कुलदीप धाकर कह रहा है ए, संतोष सिंह कह रहे हैं ए, प्रदीप कुमार कह रहे हैं ए, अवनीश कुमार कह रहे हैं ए, सभी ए कह रहे हैं, पुष्पेंद्र भी कह रहा है ए, भानु कह रहा है ए, कुलदीप धाकर ए, भानु धाकर ए, सारे बच्चे कह रहे हैं ए, सारे बच्चे कह रहे हैं ए। तो लग रहा है कि ए जो है वो ए हो गया आंसर इसका गलत, और इसका आंसर होना चाहिए बी। ए हो गया गलत, आंसर होना चाहिए इसका बी। ए हो गया गलत, फोर का आंसर होना चाहिए बी। शिवम चक्रवाल कह रहे फोर का बी है। तो बात समझ आ रही क्या? ये बेटा साइन एक्स वाला है, साइन एक्स, तो उसमें ना कॉस एक्स को टी पुट करेंगे, और कॉस एक्स को जब टी पुट करोगे तो कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस बाहर आएगा। संतोष सिंह ने अब सही बोला है कि माइनस आएगा तभी ये सॉल्व होगा। अब संतोष सिंह राजपूत कह रहे हैं सर सॉल्व कर दो उसको। अब इसमें सॉल्व करने के लिए क्या रह गया है, ये कॉस की पावर फाइव वाला हमने समझाया और साइन की पावर फाइव सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम तरीके से चलना है। बताओ बेटा ये थर्ड वाला हमने समझाया था और फोर्थ वाला समझाने के लिए जरूरत है क्या? भानु धाकर तो सही कह रहे हैं कि माइनस का मल्टीप्लाई होगा तभी तो आंसर आएगा भी। तो कोई एक बालक कह रहा था सॉल्व कर दो, ये संतोष सिंह राजपूत कह रहे हैं सॉल्व कर दो, तो बताओ बेटा ये सॉल्व करने की जरूरत है क्या, इसको सॉल्व कराने की जरूरत है क्या? संतोष सिंह राजपूत कह रहे हैं सॉल्व करवा दो, तो बेटा केवल बोलो यस और नो, सॉल्व करवाना है क्या? यस नो बोलो, यस नो, यस कराए क्या? यस अगर करवाना है तो बोलो यस। हाँ वो कोई बात नहीं बेटा,
चलिए बेटा सब बच्चे कह रहे हैं लो, तो चलो बेटा आगे बढ़ती है। अब मान लो क्वेश्चन कहीं ऐसा होता, चलो बेटा आप ये लेते हैं, मान लो कहीं ऐसा होता कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, मान लो ऐसा होता कि दोनों मल्टीप्लाई में होते, कोई एक तो बालक कह रहा था सर ये मल्टीप्लाई में होते हैं। हाँ बेटा दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो कहीं ये ऐसा होता कि साइन स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब, तो इसको ऐसा लिख लेते तुम, साइन स्क्वायर एक्स इंटू इसको लिखते कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू इसको लिखते कॉस एक्स डी एक्स, और ये साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखा रहने दो, कॉस स्क्वायर को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते और ये कॉस एक्स डी एक्स बन जाता। और अब यहाँ पर साइन एक्स को टी पुट कर लेते, साइन एक्स इक्वल टू टी, तो ये कॉस एक्स डी एक्स जो है वो डी टी में कन्वर्ट हो जाता, तो ये डी टी हो गया, तो ये आंसर बचता अपना टी स्क्वायर वन माइनस टी स्क्वायर डी टी, यानी कि क्या हो जाता है ये टी स्क्वायर माइनस टी की पावर फोर डी टी, तो इसका जो आंसर आता है टी क्यूब अपॉन थ्री माइनस टी की पावर फाइव, टी की पावर फाइव अपॉन फाइव टी, टी यानी कि क्या था साइन, तो ये आंसर आता अपना साइन क्यूब एक्स अपॉन थ्री माइनस साइन की पावर फाइव, ये इसका आंसर बचता। ठीक है हाँ, टी क्यू अपॉन थ्री माइनस टी की पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस सी, अदित्य तोमर ने सही बोला। तो ये इंटू में भी होता तो ऐसा सॉल्व कर लेते, इंटू में होता तो सॉल्व कर लेते। ठीक बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लो ये अब थोड़ा कॉन्सेप्ट ही समझ लो कि मान लो ये ऐसा होता इंटीग्रल निकालना होता, e की पावर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल निकालना होता, e की पावर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल मान लो कभी निकालना होता है ना, अनूप धाकड़ दो सेकंड वाली ट्रिक बताना है, हर क्वेश्चन के लिए दो सेकंड में नहीं होते सॉल्व, हर क्वेश्चन दो सेकंड में नहीं होता है, ये सब कहने की बातें होती है, ट्रिक तो होती है लेकिन हर क्वेश्चन दो सेकंड में होगा ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सारे क्वेश्चन दो सेकंड में होने होते बेटा, सच्चाई सुन लो, कोई नहीं बताता तुम्हें, अनूप धाकड़ ढंग से सुन लेना, अगर सारे क्वेश्चन दो सेकंड में होने होते, ऐसी कोई ट्रिक्स होती कि सारे क्वेश्चन दो सेकंड में ही हो जाते, तो फिर तो 25 क्वेश्चन कितने आते हैं 25, और दो सेकंड के हिसाब से कितना टाइम लग गया 50 सेकंड का मतलब कितना हो गया एक मिनट, लगभग एक मिनट में सारे 25 हो जाते, फिर तो फिर जरूरत क्या पड़ती है उसको 15 मिनट टाइम देने की। अनूप धाकड़ सुन रहे हो बात को, समझ रहे हो कि नहीं, सारे क्वेश्चन दो सेकंड वाले होते हैं क्या, हर क्वेश्चन में दो सेकंड में ट्रिक हो जाएगी क्या, सारे क्वेश्चन में या हर क्वेश्चन में दो सेकंड वाली ट्रिक लगा सकते हैं क्या बेटा, सब लोग सुन रहे हो आंसर दो, हर क्वेश्चन दो दो सेकंड में हो सकता है क्या, ट्रिक्स होती हैं ढेर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं लेकिन हर क्वेश्चन दो सेकंड में हो जाता है क्या, समझदार हो बेटा, कोई कुछ बोलेगा नहीं तुमसे, कोई बताएगा नहीं, बहुत से कहने वाले ऐसे होते हैं कि दो सेकंड में हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा, मैं हर क्वेश्चन का जवाब दो सेकंड में दूंगा, ऐसे कहने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन हमारे जैसा मास्टर तुम्हें मिलेगा भी नहीं बेटा जो सच्चाई को तुम्हें बता दे, हर क्वेश्चन दो सेकंड में नहीं होता, अगर ऐसा होना होता तो फिर 25 क्वेश्चन के लिए फिर क्या जरूरत पड़ती तुम्हें 15 मिनट देने की, फिर तो 2 मिनट का टाइम दिया जाता केवल, तो सच बोलने वाले इतने नहीं होते हैं, सच बोलने वाले मिलते नहीं है, हम सही कह रहे हैं कि गलत बताओ बेटा, हम सही कह रहे हैं कि गलत, बोलो बेटा बताओ हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं,
चलिए बेटा, कपिल दुबे। चलिए बेटा कपिल दुबे आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। तो इसके लिए अगर डायरेक्ट अगर लिखना है तो डायरेक्ट इसका आंसर होता है ई की पावर एक्स प्लस बी अपॉन ए। इसका सही आंसर होता है ये ई की पावर एक्स प्लस बी अपॉन ए। बोलो सुन रही बात, ये ई की पावर एक्स प्लस बी का ऐसा आंसर लिखना बोलो आता है कि नहीं? बोलो बेटा इसका ऐसा आंसर लिखना आता है कि नहीं? कहने का मतलब इंटीग्रेट करते टाइम एक्स का कोफिशियंट का डिवाइड करना पड़ता है, इंटीग्रेट करते टाइम एक्स के कोफिशियंट का डिवाइड करना पड़ता है। ये बात बोलो मालूम है कि नहीं? हाँ बेटा, तो इसका मतलब फिर ये हो गया कि अगर मान लो ऐसा लिखा होता कोई क्वेश्चन कि बताओ बेटा इंटीग्रल साइन 2x का इंटीग्रल क्या होगा, तो पहला ऑप्शन है इसका माइनस कॉस 2x, दूसरा ऑप्शन है कॉस 2x अपॉन 2, तीसरा ऑप्शन है माइनस 2 cos 2x, और चौथा ऑप्शन है माइनस कॉस 2x अपॉन 2। बोलो बेटा सेकंड वाले का आंसर बोलो। सेकंड वाले का आंसर बोलो बेटा, सेकंड वाले का आंसर। अमन सिंह चौहान बेटा, ठीक है बेटा, वो तो अच्छी बात है बेटा, हमारी बातों को पसंद करते हो, हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं, ये अच्छी बात है बेटा हमारे लिए भी। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, उसका आंसर बोलना है अमन सिंह चौहान। तो सारे बच्चे कह रहे हैं डी आंसर हो जाएगा बेटा, सही बात है बिल्कुल डी, बहुत बढ़िया बेटा, डी सही है। तो चलिए बेटा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि मान लो ये ऐसा लिखा हुआ होता है, मान लो बाई चांस ऐसा होता कभी साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रल, साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रल इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा कर सकते हैं अपन 1/2 और इन टू ये हो जाएगा साइन 2x, 1/2 साइन 2x, तो 1/2 ऐसे रहेगा और साइन 2x का इंटीग्रल हो गया माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो आंसर इसका आ गया माइनस कॉस 2x अपॉन 4। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन होगा उसके हिसाब से भी देख लेना। फिर मान लो बाय चांस क्वेश्चन ऐसा होता इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, हाँ बेटा थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, थर्ड को नोट कर लो, थर्ड थर्ड का हमने ऑप्शन नहीं दिया हुआ, थर्ड को नोट कर लो, टू का तो ठीक है बेटा, थर्ड क्वेश्चन का लिखो। साइन एक्स को टी मानकर भानु धाकड़ कर सकते हैं, हमने बोला था ये क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा, ऑप्शन भानु धाकड़ सुन रहे हो, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से है ना। कॉस 2x अपॉन 4 हो सकता है, मान लो ऑप्शन में ऐसे दिया होता इसका इसका ऑप्शन ये भी हो सकता था कि साइन एक्स को टी पुट करते डी टी में चला जाता, टी बचता तो यानी टी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये भी इसका आंसर हो सकता था, ऑप्शन के हिसाब से चलेगा। भानु धाकड़ बात सुन आ रही है क्या? ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो बेटा अंशु, अगर हमारा स्टाइल अच्छा लग रहा है तो बेटा अच्छी बात है, ये हम कोशिश वही करते हैं कि थोड़ा अच्छा समझाने की कोशिश ही करते हैं हम, तुम्हें तुम लोगों को भी अच्छा लगता है ये अच्छी बात है।
और अगर अच्छा लगता रहेगा तो हम और भी अच्छी कोशिश करेंगे और भी अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। तुम लोगों को अच्छा लगता है यानी कि बहुत बढ़िया बात है फिर तो चलिए बेटा इसका जो आंसर होगा ये तो आंसर है ही है लेकिन ऑप्शन के साथ में चलेगा, वो अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो वो भी आंसर हो सकता है इस तरह का। तो यस अभिषेक जो कह रहा है वो ठीक बोल रहा है कि अगर आपको हमारा ये स्टाइल पसंद आता है तो बेटा लाइक शेयर करें, लाइक शेयर करें, लाइक शेयर करें। अब लाइक शेयर करने से मीन ये होती है कि अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करें, अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करें, उनको इन्फॉर्म करें कि जेके शर्मा अगर पढ़ा रहे हैं और कैसा पढ़ा रहे हैं ये अपना एक्सपीरियंस उन सबको बताएं। ठीक बेटा चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा अपन। क्वेश्चन नंबर 4 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर का ये, अब इसको नाम ऐसा लिख सकते हैं देखो बेटा 1/4 इंटीग्रल और ये हो जा रहा कितना 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि ये बन जाएगा 1/4 और इसको अपन लिख सकते हैं कितना साइन 2x का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x और साइन स्क्वायर 2x को इंटीग्रेट करने के लिए साइन स्क्वायर को लिखोगे 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2, साइन स्क्वायर 2x को लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2, तो ये 1/8 तो बाहर निकल जाएगा 4 इंटू 2 8 और 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x और कॉस 4 का इंटीग्रल हो जाएगा कितना साइन 4x अपॉन 4, तो फाइनल इसका आंसर इस तरह से आएगा। भानु धाकड़ ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, इसमें पावर ऑड नंबर नहीं है, फोर का नहीं पता बेटा तभी समझाया, फोर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें पावर ऑड नहीं दी हुई है। हाँ बेटा टाइम तो ज्यादा लगेगा, अब टाइम ज्यादा लगेगा यानी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस कम होते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बनता है, ऐसा क्वेश्चन होता है, इसलिए थोड़ा हमने समझा दिया है, पर थोड़ा लेंथी है इसलिए एग्जाम में आने के चांस कम है। ठीक बेटा। और प्रदीप कुमार दागर पूछ रहे हैं कि सर ऐप पे कैसे लाइक करना है, तो ऐप पर बेटा लाइक नहीं करना है, हमने बोला कि शेयर करना है, शेयर कैसे करना है अपने फ्रेंड से कॉन्टेक्ट करना है और अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना है, उनको डिस्कस करना है, उनको बताना है कि यहाँ पर ना जेके सर पढ़ा रहे हैं और आप अपनी फीलिंग्स उनको बताएं कि जेके सर कैसा पढ़ा रहे हैं, ये हम नहीं बोलेंगे कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, ये आप अपने फ्रेंड्स को खुद शेयर करें, ये होती है शेयरिंग ऐप पर। ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी। तो मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता कि इंटीग्रल निकालना होता साइन स्क्वायर एक्स का और दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रल मान लो निकालना है कॉस स्क्वायर एक्स का, ये तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है उपेंद्र दाकर। चलिए बेटा दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दोनों के आंसर देना है। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कैसे निकलेगा, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल इसको लिखोगे साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 क्यों होता है, क्योंकि मालूम होगा तुम्हें कॉस 2x ट्रिग्नोमेट्री में बताया था हमने, कॉस 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहां से अगर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो इसको लेफ्ट में लाओगे और इसको इधर लेके आओगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x होता है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 आएगी, ये 1/2 बाहर और इंटीग्रल आ गया, 1 का हो गया एक्स और माइनस साइन कॉस 2x का हो गया अपना साइन 2x अपॉन 2, साइन 2x अपॉन 2। अनूप धाकड़ यहाँ पर ए और बी का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हमने, तो इस साइन स्क्वायर एक्स का आंसर आ गया 1/2 और एक्स माइनस साइन 2x अपॉन 2। चलिए बेटा नोट कीजिए इसको जल्दी से, नोट करो बेटा से, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करो, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आराम से 2 राउंड में खत्म हो रहा है, तो ये 10-15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो बेटा।
ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सॉल्यूशन इसका समझ आ गया बेटा? जल्दी से बताइए इसका सॉल्यूशन समझ आ गया कि नहीं? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ओके बेटा कुलदीप धाकड़, यस बेटा यस। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लिया भानु धाकड़? क्वेश्चन नंबर सेकंड सबने देख लिया ये क्या लिखा हुआ है? चलिए बेटा ऑप्शन दे रहे हैं इसके, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऑप्शन 1/2 एक्स माइनस कॉस 2x/2, बी आंसर 1/2 एक्स प्लस साइन 2x/2, सी आंसर 1/2 एक्स प्लस कॉस 2x/2, डी आंसर नन। चलिए बेटा बताइए, हाँ बेटा इसका आंसर बताइए जल्दी से। बी फॉर बॉम्बे। ओके बेटा गुड बेटा वेरी गुड बेटा, बी फॉर बॉम्बे बोल रहे हैं सारे बच्चे, बी बॉम्बे बोल रहे हैं, तो इसका आंसर है बी बॉम्बे, बिल्कुल सही जवाब। तो अगर ये पैटर्न आपको समझ में आ गया तो ये होती है ना, देखो कई जगह पे चीजें काम करती हैं अपना, कई जगह पे कॉन्सेप्ट काम करते हैं, कई जगह पे ट्रिक काम कर जाती है। तो अभी अगर आपने ये पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन का जवाब हमने ऑप्शन लिखे और आपने तुरंत आंसर बता दिया कि नहीं, तो कॉन्सेप्ट भी अच्छे होते हैं, कॉन्सेप्ट की अगर प्रैक्टिस की हुई है तो भी आंसर 10-5 सेकंड में आ जाते हैं। कई बार काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर 10-5 सेकंड में 2 सेकंड में आ जाते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि सारे क्वेश्चन के आंसर 2 सेकंड 5 सेकंड में नहीं आते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन था, उसके पहले जो क्वेश्चन लिखे थे वो उसके आंसर नहीं आने वाले थे 5 सेकंड में। अभिषेक सिंह बेटा, अभिषेक सिंह तुम जो जानना चाहते हो कि अगर कोई क्वेश्चन 1 मिनट का टाइम लग रहा है, 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लग रहा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को छोड़ के चलना है। बाद में जब टाइम बचे, लगे कि नहीं मेरे पास 1-2 मिनट का टाइम है, तो लास्ट में उसे अटेम्प्ट करें, शुरू में उस क्वेश्चन को टच ना करें। बात समझ आ गई बेटा? ब्रजेश बघेल कह रहे हैं कि हाँ नहीं अंशु बेटा, वो तो सही बात है, अभी तो सही चल रहा है, बस ब्रजेश बघेल अभी भी कह रहे हैं सर सॉल्व कर दो। ब्रजेश बघेल अभी भी कह रहे हैं कि सर इसको सॉल्व कर दो। तो बेटा सॉल्व करने के लिए हम तुम्हें हिंट दे रहे हैं, कर लेना बेटा इसको सॉल्व करने के लिए, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 + cos 2x/2 लिख लेना, 1 + cos 2x/2, उसके बाद इंटीग्रेट कर देना, 1/2 ये बाहर आ जाएगा, 1 का हो जाएगा x और cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2, ये बी बॉम्बे का आंसर आ जाएगा। ब्रजेश बघेल बात समझ आ गई क्या? तो बस आज की क्लास बस यही रोकते हैं, कल मिलते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।